से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, पृथ्वी के अंतिम छोर तक सब जातियों में सुसमाचार को पहुंचाया जाए। यीशु मसीह ने यह कहा क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज सताव है, विरोध है, तरह तरह की बातें लोग सुनकर यीशु मसीह के राज्य में आ रहे हैं, फिर भी जैसे उनको सताया जा रहा, विरोध हो रहा है, फिर भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु सिर्फ यीशु के ही हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन और मृत्यु, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। यीशु मसीह ने कहा, आज लोग जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तरह तरीके से हमें सताया जाता है, विरोध किया जाता है, हमें तरह तरीके से सताया जाता है, लेकिन जो काम परमेश्वर ने ठहराया है उस काम को कौन रोक सकता है? जो परमेश्वर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जिस काम को ठहरा दिया है और परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है, तो उस काम को कौन रोक सकता है? आज से 2022 साल पहले भी मसीहों को सताया जाता था, आज भी मसीहों को सताया जाता है, और इसके बीच में भी मसीहों को सताया ही जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब पृथ्वी के अंतिम छोर तक सुसमाचार पहुँच जाएगा, तब मैं आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, और एक नया यरूशलेम होगा। यीशु मसीह ने कहा है, हमारा जीवित विश्वास यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो कि जीवित है। लोग हम यीशु मसीह के नाम से सताते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं। लोग हमें गालियां निकालते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं। लोग हमें मारते हैं लेकिन हम चुपचाप रहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, सताव यीशु मसीह के नाम से होना हमारे जीवन के लिए एक आशीष है, एक बरकत है, एक चंगाई है, एक छुटकारा है। अब लोग यीशु मसीह के विषय में हमें क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का काम है, और उसका प्रतिफल है अनंत जीवन, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को देकर हमें इस पाप से छुड़ाया और पाप के बंधन से आज़ाद करके अपने लहू से मोल लिया है, और उसी लहू से हम छुड़ाए भी गए हैं, धर्मी भी ठहरे हैं, और उसी लहू के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी करेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मेरे पास आएगा अनंत जीवन को पाएगा। मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो कोई उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा, जो उस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। तो यीशु मसीह के पास वो रोटी है जिस रोटी को हम खाना चाहते हैं, और आज भी हमने खाई है। तो मैटर नहीं करता कि सताव कैसा है, कैसे लोगों को सताया जा रहा है। यीशु ने कहा कि लोग सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन तुम उनसे डरना जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। हम इसलिए उस खुदा पे भरोसा रखते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमसे अनंत जीवन हमें दिया है, और ये हमारा प्रेम है यीशु मसीह से। तरह तरीके का सताव, तरह तरीके का विरोध आज इस पृथ्वी पर हमें देखने को मिल रहा है, मणिपुर में, यूपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग तरीके से, हर एक राज्य में, पंजाब में, हर एक राज्य में, देश देश में, जाति जातियों के बीच में यीशु मसीह के नाम के ही सताव हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें बुलाया है, और कभी भी डेविल नहीं चाहेगा, वो अंधकार की शक्तियाँ, जकड़ने वाले पाप कभी नहीं चाहेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएँ और हम अनंत जीवन पाएं। इसलिए सताव होता है, विरोध होता है, तरह तरह की बातें होती हैं, और ये हमारे लिए एक आनंद की बात है क्योंकि यीशु ने कहा कि जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएं तब तुम आनंदित होना। 2022 साल पहले यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपनी जान दी थी, यीशु मसीह ने कहा कि पिता सब कुछ पूरा हुआ, तो यीशु ने सब कुछ पूरा भी किया है, और उस पूरा करने को हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास के कारण हम स्वर्ग के अधिकारी भी ठहर चुके हैं। और इसलिए हम सताव उठाते हैं, इसलिए हम दुख उठाते हैं, इसलिए हम क्लेश उठाते हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु की आज्ञा है, जब कोई तुम्हें सताए तब तुम आनंदित और मगन होना। तो हम आनंदित हैं इस बात से। तो कौन परमेश्वर के काम को रोक सकता है? जो काम परमेश्वर ने ठहराया है
जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को कौन रोक सकता है? कोई भी मनुष्य नहीं रोक सकता, क्योंकि आज से 2022 साल पहले से लेकर आज तक बहुत से लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े भी हुए हैं, जिनका नामो निशान मिट गया, वो ख़त्म हो गए, आज उनका कोई निशान नहीं है। क्यों? और वो बने रहते हैं। यीशु ने कहा कि तुम सदा बने रहोगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, अगर वो मर भी गया तो वो जीवित रहेगा। जीवित उसी जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, उसी जीवन के लिए, उस परमेश्वर के लिए हम सताव उठाते हैं, उस परमेश्वर के लिए हम विरोध उठाते हैं। क्या विरोध, क्या बातें, क्या लोग ठंडे पड़ जाते हैं जब यीशु मसीह का क्रोध उन पर आता है। लेकिन यीशु मसीह दयालु है, वो दयालु, वो मौका देता है सुधरने का, लोगों को मन फिराने का अवसर देता है। लोग बार बार फिर भी सताव करके यीशु मसीह को गलत ठहराते हैं, उसके लोगों को सताया जाता है। लिखा है जो कोई मेरे लोगों को जो कोई छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो जब यीशु मसीह के लोगों को छुआ जाता है तो खुदावंत की आँख को छुआ जाता है, उसकी आँख को पुतली को छुआ जाता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह किसी पे क्रोध नहीं करता, वो दयालु है, वो चाहता है कि हम मन फिराएं, यीशु मसीह के पास लौट आएं। अगर आज आप में से कोई विरोधी जो यीशु मसीह का विरोधी था और ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको जीवन देना चाहते हैं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्रोध और लड़ाई झगड़ा क्लेश से हमारा उद्धार नहीं ठहराया। अपने जीवन को जांच के देखो कि क्या जो हम धर्म जात के लिए, रीति रिवाजों के लिए, ऊंच नीच के लिए जो हम लड़ रहे हैं, क्या यह सही है? कुछ नहीं बनेगा। जिस दिन हमने शरीर को छोड़ना है, जिस दिन इस आत्मा को निकल जाना है इस शरीर से, उस समय कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अंधकार होगा और न्याय होगा। लिखा है मनुष्य का एक बार जीना, एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना निश्चित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी धर्म और कोई भी जात आपको बचा नहीं पाएगी। अगर आज आप मनुष्य को ही मारते पीटते हैं और उन पर दोष लगाते हैं, क्योंकि मनुष्य का फ्रीडम है, खुदा ने उन्हें आज़ादी दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने जब आज़ादी दी है तो आप कौन होते हैं जो खुदा के लोगों को रोकते हैं, जो खुदा को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को फॉलो करते हैं? और हम उसी को फॉलो करने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं और उसने जैसा कहा वैसा हम करने की भी कोशिश करते हैं, और हम यही करते हैं। और यही हमारी जीवित आशा है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसके काम जीवित हैं। और लिखा है परमेश्वर का राज्य बात में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, और हम उसके कामों को सामर्थ्य में देखते भी हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में किया। क्योंकि खुदावंद जब किसी के जीवन में आता है उसके जीवन को बदलता है, और जब कोई उसके स्वाद को चख लेता है वो फिर यीशु मसीह से दूर नहीं जाता। इसलिए चख के देखो यहोवा कैसा भला है, यीशु कैसा भला है, और उसने हमें अपने आप को चखाया है और हमने उसे चखा है। इसलिए कोई सताव हो, कोई विरोध हो, वो हमें मसीह से दूर नहीं कर सकता। मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।